Hello everyone. In our previous video, we were talking about ankle sprain, यानी पैर की मोच. उसमें हमने discuss किए थे ऐसे बहुत सारे methods जिससे आप immediately अपने पैर को relief दे सकते हैं अगर आपके पैर में मोच आई है. उसमें मैंने एक चीज mention की थी कि आपको अपनी crepe bandage बांधनी आनी चाहिए. और आज हम वही देखेंगे कि exactly ये crepe bandage को बांधना कैसे है. Okay. So I have this crepe bandage here, जो हमको roll पूरा मिलता है. Okay, ये मैंने कम width वाला लिया है, बहुत मोटा वाला नहीं लिया है, कम width का crepe bandage लिया है. Okay, और mostly जो sprains होती हैं, उसके हिसाब से हम लोग आज ये देखेंगे कि इसको tie कैसे करना है. A lot of us just don't have this crepe bandage, दूसरे रुमाल भी होते हैं, but I would always recommend you use this elastic wrap, so that enough pressure apply हो. हमारा मेन एम ही इसके पीछे ये है कि प्रेशर अप्लाई होने की वजह से आपकी मोच में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या सूजन नहीं आए. ओके, सो अब ये देखते हैं कि एग्जैक्टली इसको रैप करना कैसे है. लाइक वी वर डिस्कसिंग, अगर आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली के लिए ये बांधना चाह रहे हैं या इवन फॉर योर सेल्फ, यू शुड नो हाउ टू रैप दिस अप. लाइक आई सेड, ये इलास्टिक रैप जो मेरे पास में है, इसको हम होल्ड कैसे करेंगे पहले ये देख लेते हैं. ओके, इसको कभी भी टाई या रैप करते टाइम इसको ऐसे रखना है और ना कि इसको उल्टा पोजीशन में, बिकॉज अदरवाइज ये सिर्फ रोल आउट होते हुए देर नहीं लगती है एंड देन इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, विच इज वाई वी ऑलवेज रोल इट अप दिस वे. सो दिस इज हाउ वी प्लेस इट. वी ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द फुट एंड देन वी मूव अपवर्ड्स. और उसी सीक्वेंस में हमारा प्रेशर भी चलता है. नीचे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं बैंडेज को टाई करते टाइम और ऊपर जाते जाते उसका प्रेशर कम होते चला जाता है. So let us see how we actually wrap it up. Okay, so the first layer, I put it out here. Okay, and here we go with the first round. Once this is done, इसके बाद में इसको मैंने यहाँ से tight किया and then उसके half layer के ऊपर से मैंने दूसरा round लिया है. उसी से third round लेते हुए we move up. Again, if you see, I'm overlapping over half of the bandage. Okay, and then we move ahead. So this is like the third round, then another round. और इसके बाद में हम ये heel area को spare करते हैं, उसके ऊपर से हम ये crepe को नहीं लेके जाते हैं. ओके, सो ये राउंड होने के इमीजिएटली बाद में मैं यहाँ नहीं लेते हुए उसको डायरेक्टली ऊपर लेके जाती हूँ और एंकल रीजन को लीव आउट कर देती हूँ. सो वंस दिस हैपेंस, इफ यू सी दिस, दिस इज डायगनल. ओके, एंड देन वी टेक वन मोर राउंड going just behind the heel. वहां से एक और राउंड लेते हुए फिर से ऊपर आते हैं. यहाँ से अब हम प्रेशर थोड़ा कम करते चले जाएंगे. हमने ये क्यों शुरू किया है, मेनली बिकॉज इससे स्वेलिंग कम होती चली जाती है. ओके, और साथ साथ में एंकल को एक सपोर्ट भी मिलता है. अगर आप देख रहे हो तो सी, दिस इज वेरी मच फॉलोइंग द डिजाइन दैट वी हैव हियर. ओके, क्योंकि मैं हाफ पे ही ओवरलैप करते चले जा रही हूँ, सो दैट हेल्प्स मी इन नोइंग हाउ टू फिनिश दिस. अब ये पूरा बचा हुआ जो बैंडेज है, या तो आप पूरा ऊपर तक रोल कर सकते हो या तो इसको आप इसी के बाद में नीचे लेके जा सकते हो. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम जस्ट मेकिंग अ क्रॉस पैटर्न हियर एंड फिनिशिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ दिस बैंडेज. फाइनली इसको यहाँ पे हम एंकर्स की हेड से, जो इसके साथ में ही मिलते हैं, कुछ ऐसे हुक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उसको फाइनली यहाँ पे टाई कर देते हैं. ओके, बट बी वेरी केयरफुल बिकॉज दीज कैन बी वेरी शार्प और इसकी वजह से थोड़ा स्किन पे भी वो टच कर सकते हैं. सो इट इज एडवाइस दैट यू यूज दीज, दीज आर वेरी हेल्पफुल. नाउ इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज प्लीज लाइक अस ऑन BFF, दैट इज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ऑन आवर YouTube चैनल एंड द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज इन द नेम ऑफ BFF. And if you have any query, any pain-related query, you can always comment on the YouTube channel or on the Facebook and Instagram page. Thank you.